आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम एक वीडियो लेके आए हैं कि हम देख रहे थे आप लोग काफ़ी परेशान हैं कि नीट 1 अगस्त को ही हो रहा है या उसके बाद होगा। तो देखिए, आज हमने एक न्यूज़ देखा था जो कि News18 का था। तो उन्होंने वो बताया क्या कि आपको हम उसका प्रूफ भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि मतलब वो सब कन्फ्यूज कर रहा है, टोटली स्टूडेंट का टाइम वेस्ट कर रहा है, कि उनका कहना है कि नीट जो है मतलब उसका ऐसा लग रहा है कि वो पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है, यानी तो उसी टाइम पे होगा। मतलब कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी न्यूज़ में कोई भी मतलब क्लियर नहीं बता रहा है। तो देखिए, मैं आप लोग को ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक न्यूज़ नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ न्यूज़ आएगा तो आपको आसानी से आपके पास पहुँच जाएगा। लेकिन तब तक लिए आप भी कुछ अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि मतलब कुछ भी सिस्टम में जो हो रहा है वो कुछ अलग तो नहीं होगा। जो नॉर्मल थिंग है, कोई बेसिस होगा, उसके बेसिस पे ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो जैसा कि हमको लग रहा है कि अभी तक में इससे पहले जो देखा गया है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, कि नीट जो होगा एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म को जो है ना आउट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म आउट नहीं हुआ है। और हम लोग अप्रोक्सीमेटली 43 डेज है, आज 18 जून, तो आई थिंक 43 to 44 डेज, अप्रोक्स 45 मान लीजिए, 45 डेज हम लोग के पास है 1 अगस्त के लिए। तो क्या लगता है कि 45 डेज में, क्योंकि पहले क्या होता है, नीट का फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद उसको सब स्टूडेंट सबमिट करेगा मतलब एप्लीकेशन पर, फिर उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगा, फिर उसके बाद उसको सेंटर का देखना होगा, फिर एडमिट कार्ड रिलीज करेगा, मतलब एटलीस्ट डेढ़ से लेके 2 मंथ का जो है प्रोसेस होता है ये। तो अगर हर चीज़ को करने के लिए, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नीट जो है फिर से वो अगस्त के लास्ट वीक में या नहीं तो सितंबर में होगा, क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर में हुआ था। आई थिंक सितंबर में ही इस साल भी नीट होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस रहिए, जितना एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उस पर फोकस, क्योंकि लास्ट ईयर जो है इसी तरह दिखा गया था और एकाएक एग्ज़ाम ले गया था, किसी कुछ भी नहीं सुना था उन्होंने, जो एग्ज़ाम का डेट जो मतलब ये किया था, रिलीज किया था कि 13 सितंबर को ही लेना है, तो 13 सितंबर को ही ले लिया था। फिर स्टूडेंट कितना भी पोस्टपोन करते रहे, कोई भी चीज़ पे वो ध्यान नहीं दिया था। तो इसी तरह आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। देख लेते हैं थोड़ा सा ये न्यूज़ 18 क्या मतलब बताया क्या है, अभी थोड़ा अनुमान लगा लीजिए। इसमें इसका कहना है कि ये वही नीट 2020 पोस्टपोनमेंट स्पेकुलेशन फॉर्म या टू बी एप्लीकेशन फॉर्म या टू बी आउट, ये मतलब ये क्या क्या है अटका दिया है कि या तो फॉर्म आउट करेगा कि इसको पोस्टपोन करेगा, ये कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। देखिए, अब देखिए, आपको अगर ये पढ़ना है तो अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं। देखिए, इसमें कहना है इसका क्या है कि 45 डेज जो है हम लोग अभी से लेफ्ट है 1 अगस्त के लिए, ये आज का है 18, मतलब आप देख लीजिए ऊपर में, ये जून 18 का ये न्यूज है, ठीक है। तो ये 45 डेज बचा हुआ है और एटलीस्ट 60 डेज बिफोर जो है ना ये फॉर्म आउट होना चाहिए था, क्योंकि एटलीस्ट 15 लाख से प्लस स्टूडेंट जो है ना इसमें फॉर्म डालते हैं, तो सबको प्रोसीजर तो देखना होगा ना उसको, इसलिए 60 डेज मतलब बिफोर उसको फॉर्म आउट करना चाहिए। तो अभी अगर कुछ दिन में फॉर्म आउट हो गया, फिर भी एग्ज़ाम 1 अगस्त को होने की प्रॉबलिटी नहीं है। अब वो एक्स्ट्रा करवा दी वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि नहीं है, वो कुछ आगे ले जाएंगे उसको। तो आई थिंक अगर अभी फॉर्म डाल दें तो वो अगस्त के 1 वीक में नहीं, 3 वीक में आई थिंक वो एग्ज़ाम ले सकते हैं। आज के देख लीजिए, ये News18 का रिपोर्ट, ये आज का न्यूज़ है। तो कुछ कुछ यहाँ पे क्या है कि कुछ जैसे तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर जो है MK Stalin, उन्होंने कहा, उसका डिमांड है कि एग्ज़ाम को NEET 2021 को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और हमको नहीं लगता इसको कि कैंसिल करेगा, लेकिन क्या पता ये क्या कर सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम लोग का हेल्थ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देख के ये डिसीजन लेंगे, क्योंकि हेल्थ है तो ही वेल्थ है। तो हाँ, तो ये देखना है, उसके बाद आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि इनका कहना है कि लास्ट मतलब यस्टरडे मीटिंग हुआ था स्टालिन और मोदी के बीच, उन्होंने एक नीट के एक्सपेक्टेड टॉपिक पे डिस्कशन किया, और कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा आप लोग को इस पर ध्यान नहीं देना। और हाँ, आप लोग अपने पढ़ाई फोकस कीजिए और ये चैनल को मतलब इसका जो रेड बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए,
कि जैसे ही मतलब कोई वीडियो आएगा या कुछ मतलब ऐसा न्यूज आएगा तो हम आपके लिए लेके आ जाएंगे, और नोटिफिकेशन ये बेल आइकन दबाने से आपके पास डायरेक्ट ये न्यूज चला जाएगा, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अपने पढ़ाई जितना टाइम मिल रहा है पढ़ाई फोकस कीजिए, क्योंकि पिछले साल इसी तरह के टाइम में 720 मतलब रिकॉर्ड टूट गया था, सबको लग रहा था ऐसे पढ़ाई नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन पढ़ने वाला पढ़ रहा है। तो इसलिए आप लोग भी अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, कोई न्यूज आता है तो हम आप लोग के लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए एक बार, जो मगर अगर पढ़ना चाहते हैं तो। कुछ कुछ का कहना यह है कि न्यूज का पैटर्न चेंज कर दिया, लेकिन कुछ भी हो सकता है, आप लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जो भी होगा आपके फेवर में होगा और सबके लिए होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए ख़त्म करते हैं। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। ओके, उसके बाद नीट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन लग रहा हो तो कोशिश करेंगे हम आपका ये सॉल्व कर दें प्रॉब्लम, ठीक है। धन्यवाद।